आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शब्द लाया हूं, घर। घर किसको प्यारा नहीं होता, क्योंकि तो घर में ही सब लोग होते हैं। लेकिन घर की अंग्रेजी क्या हुई? एक अंग्रेजी होती है होम, HOME। होम माने घर जिसमें लोग रहते हैं। अब देखें, दूसरा शब्द है हाउस। हाउस माने घर होता है, लेकिन असली इसकी हिंदी है मकान या भवन। मकान मैंने यहां लिखी है, भवन ये लिखा है। लेकिन हाउस भी जरूरी नहीं है कि खाली मकान को ही कहें। भवन जिसमें एक परिवार रहता है हाउस कहलाता है। ये डिफरेंस जान ले। आई हैव ए हाउस, मेरा एक घर है, मकान है जिसमें मेरा परिवार रहता है। गृह प्रवेश, आप लाखों लोगों से पूछ लीजिए, सब लोग मकान बनवाते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, लेकिन अंग्रेजी किसी को नहीं पता होगी। आप पहली बार देखें इसकी अंग्रेजी, गृह प्रवेश की अंग्रेजी। गृह प्रवेश ये मैंने लिखा है हिंदी में। हाउस वार्मिंग इसकी अंग्रेजी होती है WARMING। हाउस वार्मिंग, इट वॉज ए हाउस वार्मिंग पार्टी या प्रोग्राम, अर्थात गृह प्रवेश की पार्टी थी, गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। हाउस वाइफ किसे कहेंगे? घर गृहस्थी संभालने वाली महिला, घर गृहस्थी संभालने वाली महिला। लोग इसकी हिंदी जानते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं, लेकिन दूसरा शब्द जो मैं बताऊंगा वो नहीं जानते लोग। हाउस वाइफ, माई मदर इज ए हाउस वाइफ। अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारी माता जी क्या है, क्या काम करती हैं, आप हमेशा कहते हैं माई मदर इज ए हाउस वाइफ, घर गृहस्थी संभालती हैं, अर्थात बाहर नौकरी करने नहीं जाती हैं, घर का काम देखती हैं, घर का काम संभालती हैं, गृहस्थी संभालती हैं, हाउस वाइफ। और यदि ठीक इसका उल्टा हो, महिला तो नौकरी करने जाए और पति घर का काम संभाले, घर का काम देखे, तो ऐसे हस्बैंड को क्या कहेंगे? हाउस हस्बैंड कहेंगे, जो कोई नहीं जानता, सब जानते हैं हाउस वाइफ। मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, हाउस हस्बैंड, घर गृहस्थी संभालने वाला आदमी, पुरुष। माय फादर इज ए हाउस हस्बैंड। अब देखें हाउस वर्क, घर का काम, हाउस वर्क कहलाता है। अब इसको अंग्रेजी में ही बोलना है, घर के काम को कोई अंग्रेजी में नहीं बोलता। हाउस वर्क, घर का काम, शी हेल्प्स मी विद द हाउस वर्क, घर का काम करने में वो मेरी मदद करती है। हाउस मैन किसे कहते हैं? मकान मालिक, सब लोग जानते हैं हाउस मैन, मकान मालिक कोई कहेंगे, लेकिन नहीं, जो किराया देता है उसको भी हाउस मैन कहते हैं, अर्थात घर का मालिक हुआ वो, जब तक उसका किराया है वो किराया दे रहा है तो मालिक ही हुआ। मकान मालिक या खरीद कर या किराए पर देने वाला, किराया देने वाला। ही इज ए हाउस मैन, यदि कोई महिला है तो उसको वोमेन कहेंगे, हाउस वोमेन, अगर आदमी नहीं है तो और उसको कहेंगे वोमेन कहा जाएगा उसके लिए। मकान मालकिन या किराया देने वाली महिला, हाउस वोमेन या हाउस मैन, हाउस होल्ड वर्ड। अब ये आपने पहली बार सुना होगा हाउस होल्ड वर्ड, ऐसा नाम जो घर घर में प्रसिद्ध हो, जैसे प्रधानमंत्री जी का नाम घर घर में प्रसिद्ध है, अमिताभ बच्चन का नाम घर घर में प्रसिद्ध है, हाउस होल्ड वर्ड कहते हैं उसको। घर घर मशहूर होना, अमिताभ्स नेम इज ए हाउस होल्ड वर्ड, घर घर में प्रसिद्ध है अमिताभ बच्चन का नाम, हाउस होल्ड। गृहस्थी को कहते हैं घर के सभी लोग, प्लस नौकर चाकर अगर उस घर में रहते हैं, गृहस्थी घर के सभी लोग प्लस नौकर चाकर। हाउ मैनी पीपल लिव इन दिस हाउस होल्ड, इस गृहस्थी में, इस घर में कितने लोग रहते हैं। हाउस होल्डर किसे कहेंगे? घर का मालिक या मालकिन।
ध्यान रहे हाउस होल्डर है ये, इसमें पुरुष और स्त्री में भेद नहीं है। घर का मालिक और मालकिन या किराए पर, ही या शी इज ए हाउस होल्डर, दोनों के लिए कह सकते हैं। हाउस अरेस्ट इसे कहेंगे, आपने देखा होगा नजर बंदी, ये शब्द तुमने हिंदी में तो सुना होगा आप लोगों, अंग्रेजी में नहीं सुना होगा। हाउस अरेस्ट इसकी अंग्रेजी होती है नजरबंदी। ही वॉज कैप्ट अंडर द हाउस अरेस्ट, उसे नजरबंद कर दिया गया, नजरबंदी में रखा गया। हाउस एजेंट किसे कहेंगे, आप हमेशा एक शब्द बोल देते हैं एजेंट है, हाउस एजेंट जो घर का दलाल है, बेचने और खरीदने में मदद करता है। ही वॉज ए हाउस एजेंट। हाउसिंग किसे कहती है, हाउसिंग एक नाउन है, उसका अर्थ भी घर होता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हाउसिंग टू द पीपल या द पुअर, गरीब लोगों को गवर्नमेंट यानी सरकार मकान उपलब्ध कराती है या मकान देती है। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। वर्ब के रूप में देखें, जानवर या इंसान के लिए घर उपलब्ध करा रहा, ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए जानवर के लिए भी घर उपलब्ध कराया जाए तब भी हाउसिंग आएगी। पीपल एनिमल्स दोनों लिखने में, पीपल एनिमल्स है बीन हाउस, घर में ठहरा दिया गया है, घर प्रदान कर दिया गया है, घर भेज दिया गया है जानवर को या इंसान को। अब देखें हाउस ब्रेकिंग, चेंगमारी करना, जो दीवार तोड़ देते पीछे से चोर, चोरी के लिए हाउस ब्रेकिंग कहलाती है। हाउस ब्रेकर सेंधमार को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर अंदर घुसता है। हाउस बोट शिकारा को कहते हैं, शिकारा जो लकड़ी का नाव पर ही मकान जो बना हुआ होता है, जम्मू कश्मीर में तो ये कश्मीर में तमाम। एक फिल्म आई थी आरजू, बहुत पुरानी पिक्चर, राजेंद्र कुमार की और साधना की, तो उसमें तो काफी दृश्य इसी के थे, हाउस बोट के। शिकारा इसकी हिंदी हुई। हाउस फ्लाई मक्खी को कहते हैं, घरेलू मक्खी इसकी हिंदी हुई, जो घर में आपके मक्खियां खूब रहती हैं उनको हाउस फ्लाई कहते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।